भारत समेत दुनिया भर के मंदिर, मस्जिद, मजार और चर्च के रहस्य भरे पड़े हैं और भारत में तो इतनी किंवदंती है कि लोग बड़े ही चाव से सुनते और सुनाते भी हैं और कहते हैं कि उस रहस्य से उनका सामना हुआ है। तो आज हम भी एक बड़े मंदिर के रहस्य के कुछ तथ्य लेकर आए हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस बड़े मंदिर से कितने और कैसे रहस्य जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पर सदियों से कई धार्मिक रहस्य और तथ्य गढ़े हैं जो कभी कभी रह रहकर बाहर आते रहते हैं। आज हम अपनी स्टोरी में नेपाल के सबसे बड़े मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में आपको बताएंगे कि आखिर लोगों के अंदर किस तरह की भावना है इस मंदिर के बारे में। दरअसल पशुपतिनाथ मंदिर एक शिव मंदिर है जिसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में खुद शिव यानी कि भगवान शिव निवास करते हैं। जिस तरह भारत में सनातन धर्म में मान्यता है कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें लोगों का मानना है कि ये केदारनाथ का आधा भाग है, नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे काठमांडू में स्थित है। लोगों की मान्यता है कि ये मंदिर सबसे सर्वश्रेष्ठ मंदिर है। पशु अर्थात जीव और पति का अर्थ है स्वामी और नाथ का अर्थ है भगवान। इसका मतलब ये कि संसार के समस्त जीवों के स्वामी या भगवान है पशुपतिनाथ। दूसरे अर्थों में अगर कहा जाए तो पशुपतिनाथ का अर्थ है जीवन का मालिक। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुंह वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। यहाँ पर एक बात बताते चले कि प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये पांचों मुंह अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सद्ज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वाम वेद और अर्ध नारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। लोगों का मानना है कि ये मंदिर वेदों के लिखे जाने से पहले ही स्थापित हो गया था। मंदिर के बारे में कई पौराणिक कहानियां भी हैं। यहां पर हम लोगों के अंदर मौजूद एक पौराणिक कथा के बारे में आपको बताएंगे। माना जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो लाखों लाखों लोग मारे गए और इनको मौत के घाट पांडवों ने उतारा, जो कि उनके ही सगे संबंधी थे। सनातन धर्म के अनुसार जो हत्या पांडवों ने की वो अपने ही गोत्र के लोगों की थी, इसलिए इसे गोत्रवध भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरह कहा जाता है कि गलती होने के बाद ही इंसान पश्चाताप करता है, ठीक उसी तरह पांडवों को भी इसका भान रहा और वो काफी दुखी हुए और इसीलिए इस पाप से बचने के लिए पांडव उपाय खोज रहे थे और पांडव इसके लिए भगवान कृष्ण के पास गए। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इस गोत्र वध से बचने के लिए एक उपाय बताया। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि वो भगवान शिव की शरण में जाएं और माफी मांगे। इस बात को सुनकर पांडव भगवान शिव की खोज में निकल पड़े,
लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि पांडवों से उनकी मुलाकात हो, इसलिए भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण कर लिया। लेकिन पांडवों की किस्मत अच्छी थी, जल्द ही भगवान शिव के इस रूप का उन्हें पता चल गया और पांडव भगवान शिव का पीछा करने लगे। फिर बचते बचाते भगवान शिव जमीन में गुम हो गए, लेकिन जब वो फिर अवतरित हुए तो उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया और उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर जाकर गिर गए। कहते हैं कि जहां भगवान शिव का मस्तक गिरा वही पशुपतिनाथ मंदिर है और तभी से दुनिया भर के मंदिर में से खास मंदिरों में ये मंदिर गिना जाने लगा। बैल का कुबड़ जहां गिरा उसे केदारनाथ कहा जाता है और जहां बैल की टांगे गिरी उसे तुंगनाथ कहा जाता है। बैल के नाभि वाला हिस्सा हिमालय में गिरा जिसे मध्य महेश्वर कहा जाता है। बैल का सींग जहां गिरा उसे कल्पनाथ कहते हैं। इस तरह भगवान शिव के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वो पवित्र स्थल बन गया और वहां पर पूजा होने लगी। कहा जाता है कि अगर कोई ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहता है तो उसे सबसे पहले केदारनाथ फिर पशुपतिनाथ जाना चाहिए, नहीं तो इसका फल नहीं मिलता। पशुपतिनाथ में भैंसे के सिर और केदारनाथ में भैंसे के पीछे के भाग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ के बारे में एक ये भी मान्यता है कि जो भी पशुपतिनाथ के दर्शन कर लेता है उसका पशु योनि में जन्म नहीं होता। पशुपतिनाथ मंदिर के पास एक घाट है जिसे आर्य घाट कहा जाता है। पौराणिक काल से ही सिर्फ इसी घाट के पानी को ले जाने की परंपरा है। पशुपतिनाथ का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है और कहा जाता है कि ये पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। पूरे नेपाल के साथ ही साथ नेपाल के राज परिवार के जो आराध्य देव हैं वो पशुपतिनाथ ही है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बताते चले कि पशुपतिनाथ मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, तो आप समझ सकते हैं कि पशुपतिनाथ का रहस्य क्या है। वैसे तो नेपाल में बहुत पुराने और विशाल मंदिर हैं, लेकिन जो स्थान पशुपतिनाथ का है वो किसी और का नहीं है। तो अगर आपको कभी नेपाल जाने का मौका मिले तो एक बार काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर जरूर जाइएगा और दर्शन कर आशीर्वाद जरूर लीजिएगा।